अस्सलाम वालेकुम मैडम, दिस इज महबूब खान, वेलकम यू ऑल इन एएस फिजिक्स फॉर मे 2022 एग्जाम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन एवरी सिंगल पॉइंट इन योर रजिस्टर। You will have to make one separate register for physics, AS physics, subject code beta 9702. There are three papers, paper one, paper code is 9702/paper 12. That is, you know that ke this one is variant 12 variant, 40 MCQs, 40 marks, one hour 15 minutes is the duration. Paper 2, 9702/22, 8 or 9 theory questions, 60 marks, 1 hour 15 minutes time. Then you will be having paper 3, 9702/33 or 34. It depends कि आपको कॉलेज से क्या कोड मिला है. This is two practical questions. This is practical. Forty marks. 2 hours. According to total aggregate, this paper one will be of 31% out of 100% of AS. Paper two is 46% out of total 100% of AS grade. Paper 3 is of 23% out of total 100% aggregate. Now, let me tell you syllabus content. In syllabus contents, we have topics. मेरे साथ साथ सब लोग लिखते जाएंगे बेटा. Number one. Physical quantities and units. अब देखो इसमें सारा basically O levels वाला भी include है, तुम्हें पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर. ये मैं करवाऊंगा आपको दोबारा रिवाइज, क्योंकि AS की रिक्वायरमेंट है कि वर्नियर कैलिपर में हम कैसे रीडिंग लेते थे, माइक्रोमीटर में हम कैसे रीडिंग लेते थे, बेसिक यूनिट्स क्या थे, ड्राइव यूनिट्स क्या थे, और फिर उसमें डिटेल भी है. ओ लेवल में तो बहुत बेसिक था, यहाँ पर एएस में आपके पास इस टॉपिक की फिर डिटेल है और कैलकुलेशंस बहुत है. देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट डे एएस फिजिक्स जो है वो बेसिकली आप ये समझ लो, अगर मैं मुझसे कोई
क्लियरली पूछे तो मैं उसे कहूंगा बेटा एएस फिजिक्स जो है ना, ये समझ लो कि 60% मैथ्स है, डेरिवेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं। व्हेन आई कंपेयर मायसेल्फ एएस फिजिक्स टू ओ लेवल फिजिक्स, तो पर्सनली अगर मुझसे पूछो ना, मैं कहूंगा ओ लेवल फिजिक्स अप्रोक्सीमेट, चलो थियोरेटिकल है ज्यादातर, उसमें थ्योरी है बहुत सारी, न्यूमेरिकल्स हैं बट कंपैरेटिवली कम है। डीसी मोटर की वर्किंग आपको आनी चाहिए, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल आपको आना चाहिए पूरा, थ्योरी में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वो सब पता होना चाहिए, मतलब थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स है ना बहुत सारे। एएस फिजिक्स टोटली डिफरेंट है। एएस फिजिक्स में मैं तुम्हें बताऊं, अगर एग्जाम में 8 to 9 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से अप्रोक्सीमेट सब क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स हैं, सब क्वेश्चंस में डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं बाकायदा यहां पर, और डेफिनेशंस हैं। तो मैथमेटिकल रूल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आज फर्स्ट डे से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना यूज होंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप में से वो स्टूडेंट्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वेल्स में, अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं, काइंडली उन्हें बता दें कि फर्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट वीक से अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करेगा तो उसको एटलीस्ट मेरा सेक्शन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं आगे निकल चुका हूँ। और फिर हमेशा हमें हर साल का प्रॉब्लम है ये कि स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर वो इनिशियल की 4-5 क्लासेस, इनिशियल की 6 क्लासेस मिस हो गई, वो करवा दें। वो नहीं हो सकता बेटा, सब कनेक्टेड है। जो मैं तुम्हें आज करवाऊंगा ना इंट्रोडक्टरी क्लास में, वो मैं कल उसको अप्लाई करवाऊंगा, फिर फ्राइडे वाली क्लास में मैं उसको फर्दर और आगे चलाऊंगा। अब जो नेक्स्ट ट्यूजडे को क्लास ज्वाइन करेगा उसको पीछे का पता ही नहीं है, और मैं उसी के कनेक्टेड आगे काम करवा रहा हूँ, वो कहाँ से समझेगा। एएस का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू बी फोकस्ड फ्रॉम फर्स्ट डे। जिस दिन क्लास होगी, अभी तो आज तो खैर इंट्रोडक्टरी क्लास है, मगर जिस दिन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने उस दिन या उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे विद इन 3 days आपने वो होमवर्क करना होगा बेटा। ओ लेवल्स की तरह से देखो, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है कि आप में से वो स्टूडेंट्स जो इनिशियली काम नहीं कर पाए, बाद में ट्रैप हो गए, आखिर में मुश्किल हो गई, तो वो तो सिर्फ एक पेपर था MCQs का, अब तो AS है और 3 पेपर्स हैं, तो काइंडली थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखेंगे। सेकंड टॉपिक है आपके पास काइनेमैटिक्स। अब ये वो काइनेमैटिक्स नहीं है जो मतलब है वो ही काइनेमैटिक्स बट इन डिटेल है, ओ लेवल्स वाला काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स टॉपिक्स तुम्हें सारे सेम लगेंगे, फोर्स प्रेशर एंड डेंसिटी, वर्क एनर्जी पावर, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स देखो ये वही है स्प्रिंग वाला, हुक्स लॉ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन वी हैव वेव्स, एंड फॉर वेव सेक्शन वी हैव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स के दो टॉपिक्स हैं, एक वेव है और एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। अब कंपेयर करो इसे तो टॉपिक 6 तक तुम्हारी पूरी जनरल फिजिक्स है, ओ लेवल की टॉपिक 6 तक जनरल फिजिक्स है, उसके बाद थर्मल फिजिक्स नहीं है AS में, बिल्कुल भी नहीं है, थर्मल पूरा खत्म। अब आ जाए वेव्स, वेव्स है बट वेव्स में साउंड वगैरह नहीं है, सही है, वेव्स है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा लास्ट ईयर के सिलेबस में, अब आप जो मई जून 2022 में एग्जाम देंगे, यू विल अपियर इन मई 2022 एग्जाम्स। So the syllabus is slightly changed. Electric field एक टॉपिक था जो आपके पास past पेपर में मिलेगा, मगर अब वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से खत्म हो गया। So after superposition we have electricity,
Then we have DC circuits. And similarly, beta, pehle radioactivity aur nuclear physics ka ek chota sa topic tha. वो भी ए एस में रिमूव करके उसको शिफ्ट कर दिया है ए टू में और ए एस में आ गई आपके पास न्यू टॉपिक है ये पार्टिकल फिजिक्स. तो बेसिकली टोटल ये 11 टॉपिक्स हैं. इसी सीक्वेंस में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. ये लिख लें अपने पास पहले. अच्छा, हमारा मेथड ये होगा कि मैं आपको जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो लेवल्स में वो जानते हैं कि आई विल मेक यू एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर रजिस्टर ऑल नोट्स विल बी इन योर रजिस्टर एंड विद द सपोर्ट विद दिस आई विल प्रोवाइड यू नोट्स आल्सो टॉपिकल पास्ट पेपर्स आल्सो. बुक्स अगर आप लेना चाहें फॉर योर रेफरेंस तो एक ए लेवल बाय डेविड सैंग ये बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है. मतलब ये ओ लेवल से ए लेवल्स में जो ब्रिज कहते हैं जिसको कि ओ लेवल्स आसान है और ए लेवल्स बहुत टफ है तो उसको ब्रिज करने के लिए ये थोड़ी कंपैरेटिवली इजी बुक है. इससे थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, इससे थोड़ा सा आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी और पास पेपर के पैटर्न पे प्रैक्टिस करने के लिए सेकेंड बुक है आपके पास पैसिफिक फिजिक्स वॉल्यूम 1. Actually, you don't need to buy these books. ये आपको कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी. और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उन नोट्स में आपके पास इन दो बुक्स से कंबाइंड सारे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे ऑलरेडी, राइट? तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ है आपके पास एएस का. Now we have first is prerequisite. It means first topic main bhi shuru nahi kar raha. First topic start karne se pehle kuch basic information hai. वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपसे पहले शेयर करूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. बेसिक इंफॉर्मेशन इन अ सेंस ये कि फॉर ए लेवल्स फिजिक्स आपको ओ लेवल्स की सारी चीजें पता होनी चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है पेंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर आपने बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस रही. तो मैं कोशिश करूंगा अपने सिलेबस में ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा ए लेवल्स में देने के लिए. आप लोग जो मेरे साथ क्लास ले रहे हैं इसके लिए बेफिक्र रहे हैं. कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो आप काइंडली मुझसे पूछेंगे, बट आपने हर चीज अपने पास लिखनी है. यू हैव टू राइट एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रीरेक्विजिट you need to remember o level formulas jo as mein topics hain usse related aapko formulas pata hone chahiye. For example here I give you a short summary of formulas. देखो सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम.
ये सिंबल जिसको हम रो कहते हैं, दैट इज डेंसिटी. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. W is equals to mg. किसी भी सिंबल को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना प्लीज. W, what is W? बताओ जरा. Weight. What is G? Gravity. दोबारा बोलना. G बेटा क्या बताया आपने? Sir, gravitational strength. जी ग्रेविटी नहीं है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. रिमेंबर जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है इसका यूनिट, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी है. और इसको आप लिख सकते हैं 9.8 समटाइम्स इसको कोई 9.81 लिखता है, बात एक ही है, न्यूटन पर केजी. ये यूनिट भी है. मास को अगर आप यहां डिवाइड कर देंगे दैट विल बिकम न्यूटन पर केजी. दिस 9.81 इज फॉर अर्थ और g is equals to 1.6 meter per second for per second square for moon. Then you have speed is equals to distance over time. ये speed बेटा constant speed के लिए, that is constant speed. मैंने यही constant लिखा है, constant speed और यूनिफॉर्म स्पीड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड देन वी से टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी. V is the final speed. U is initial speed. And T is the time taken. T is the time taken. Then F is equals to MA. अच्छा रिमेंबर वन थिंग कि व्हेन आई राइट एफ इज इक्वल्स टू एम ए दिस एफ मींस रिजल्टेंट फोर्स. एफ मींस रिजल्टेंट फोर्स. तो फिर याद करो कि रिजल्टेंट और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास. Applied force minus opposing force, resultant force हो गया MA. Applied force is forward force. Applied force को forward force भी कहते हैं और opposing force को resistive forces भी कहते हैं, जिसमें friction और air resistance वगैरह आती थी, याद कर लें अगर. Then we have pressure, force upon area, or pressure rho gh. Rho is the density, g is the gravitational field strength, and h is the height. Then we have beta moment.
ऑफ फोर्स एफ इंटू डी. अब इफ यू रिमेंबर वर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला सेम था. डिफरेंस ये था कि मोमेंट ऑफ फोर्स में एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टर्निंग इफेक्ट वाले में फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर होता है. फॉर वर्क फोर्स एंड डिस्टेंस आर पैरेलल टू ईच अदर. Then we have kinetic energy, half mv square, gravitational potential energy, mgh, efficiency is equals to output over input. और अगर आपके पास ऑप्शंस में देखो, हम ओ लेवल्स में ये कहते थे कि अगर ऑप्शंस में तुम्हारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज में है तो इट मींस आउटपुट ओवर इनपुट को यू विल मल्टीप्लाई बाय 100. आउटपुट ओवर इनपुट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट एफिशिएंसी इन परसेंटेज. देन यू हैव power power ka formula work over time bhi hai aur power is equals to energy over time bhi hai is the same thing. Work or energy is the same thing. Energy is the ability to do work. To agar work ka unit joules hota hai to energy ka unit bhi joules hai. ओवरऑल नॉर्मली आपके पास फॉर्मूलाज हैं वो लेवल्स के जो जनरली यूज होंगे हमारे पास जनरल फिजिक्स के. देन वी हैव बी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वेव्स में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T. फिर वेव को देखकर वेव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे. वेव लेंथ इज इक्वल टू गिवन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स. Then we have electricity. Mein yaad hai kisi ko ye Q is equals to NE. Q kya hai? What is Q? Charge. Very good. N kya hai? What is N? Ye current electricity mein beta. बिल्कुल पहला टॉपिक था स्टार्ट में जो मोस्टली बहुत सारे लोग मिस भी कर देते हैं इसे. इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास ओ लेवल्स में भी एक दो क्वेश्चंस थ्योरी में आए हुए. चार्ज जो है वो थोड़ा सा ओ लेवल का बेसिक बता दूं. चार्ज जो है इज नॉट अ सिंगल एंटिटी. चार्ज बेसिकली इज कॉल्ड अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये चार्ज है रेड वाला एक चार्ज है तो इसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ ये डॉट्स होते हैं. इन डॉट्स को हम कहते हैं रिमेंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन
और ये ओ लेवल्स में आपको इसकी वैल्यू बताई गई थी कि ई की वैल्यू होती है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओ लेवल्स में ये वैल्यू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन में देता था। ए लेवल्स में ये ई की वैल्यू आपने याद रखनी होगी 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जब हम पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उस पैकेट को हम चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि एक पैकेट है उस पैकेट के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पैकेट के चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन जो है वो 1000 हो गया और हर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो 1000 एन को मल्टीप्लाई कर दोगे ई से 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो ये जो आंसर आएगा तुम्हारे पास ये क्यू की वैल्यू होगी चार्ज। इसका मतलब चार्ज एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, चार्ज कोई सिंगल कह सकते हैं कि चार्ज कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, सिंगल चीज नहीं है, बल्कि चार्ज जो है एक्चुअली इज अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंड करता है कि उस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन ये अगर तुमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये मैं सब करवाऊंगा। अभी मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा एएस फिजिक्स कि मैं इमेजिन करूंगा आपने ओ लेवल्स नहीं पढ़ी है या ओ लेवल्स आप भूल गए, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर ओ लेवल हमने पढ़ी नहीं या ओ लेवल में हमने ये नहीं पढ़ा या ऑनलाइन में हमें समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस मेरा ये साथ देना है कि जहां कोई चीज नहीं समझ में आएगी तुम मुझसे पूछोगे। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, वोल्टेज जिसको आप ईएमएफ भी कहते थे और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते, उसका फॉर्मूला था वर्क ओवर चार्ज या फिर V इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज भी यूज कर सकते हैं। बात एक ही है, वर्क और एनर्जी इज द सेम थिंग, ऊपर भी बता चुका हूं। देन V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर याद करो तुमने पढ़ा था कि R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन। दिस फॉर्मूला फॉर सीरीज एंड R इज इक्वल टू वन ओवर आर वन वन ओवर आर टू प्लस और होल पावर माइनस वन। दिस फॉर्मूला इज फॉर पैरेलल बेटा, ये मैंने लिखा है आखिर में पैरेलल। R इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू और उससे ज्यादा हो तो और भी कर देंगे और होल पावर मगर माइनस वन आए। देन वी हैव पावर, इलेक्ट्रिकल पावर याद करो P इज इक्वल टू वी आई, फिर V को अगर मैं रिप्लेस कर दूं आई आर से तो एक और फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, और फिर एक और फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पावर के आपके पास टोटल बेसिकली फोर फॉर्मूलाज हैं। एक मैंने यहां पर तुम्हें बताया पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम या पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, एंड देन पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। नाउ For this
prerequisite. You need to understand units also. Units का मतलब बल्कि इसको unit ना कहें, इसको आप लिख लें prefixes. Prefix किसे कहते हैं भाई? Prefix कहते हैं बेटा कि for example. अच्छा ये सुन लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये फर्स्ट पेज है, देन वी हैव द सेकंड पेज, नाउ वी हैव थर्ड वन. Prefixes का मतलब क्या? What does prefixes means? And how prefixes will be used? Prefixes used कैसे होंगे बेटा? देखो, first of all, one dm decimeter is equals to 1/10 meter. जिसको आप लिख सकते हैं 10^-1 meter. 1 centimeter is equals to 10^-2 meter. Centi means 10^-2. Deci means 10^-. Millimeter. Milli means 10^-3. ये U है, माइक्रोमीटर 10^-6 meter. देन वी हैव नैनो 10^-9 meter. देन वी हैव पीकोमीटर, पीको मीन्स 10^-12 meter. अगर पॉजिटिव में चलें तो किलोमीटर का मतलब 10^+3 meter. 1 कैपिटल M को हम कहते हैं मेगा, दैट इज 10^+6 meter. गीगा 10^+9 meter. Or 1 terameter 10^+12 meter. ये तुम्हें याद रखना होगा. वन थाउजेंड लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 meter cube. रिमेंबर दिस. अच्छा, यू हैव टू रिमेंबर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं कि सबसे पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स को स्टार्ट नहीं किया. आपसे आपको मैं अभी सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं. बेसिक पॉइंट्स यह है कि इन सब यूनिट्स के बीच में अगर वो आपसे मिक्स पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देख लें. क्योंकि क्वेश्चन में कहीं होगा बीच में कि एक्सप्रेस कैलकुलेटर उठा लो, एक्सप्रेस 2.4 मिलीमीटर
into mega meter. अब देखो सबसे आसान मेथड समझना, हमेशा डेसीमीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इन सबको आपस में अगर तुम्हें शिफ्ट करना होगा, आपस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमेशा इनके बीच में ब्रिज का काम करेगा मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल 2.4 मिलीमीटर कन्वर्ट्स इनटू मीटर एंड देन मीटर कन्वर्ट्स इनटू मेगा मीटर. बस ये याद रख लें, ये याद रख लें, हमेशा टू यूनिट्स के बीच में मीटर आएगा, मीटर में पहले कन्वर्ट करना हो, वरना कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे जल्दी में. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल से, हियर 2.4 मिलीमीटर. मिली मींस 10^-3. इसका मतलब तुम कहोगे 2.4 मिलीमीटर मींस 2.4 × 10^-3 मीटर है. अब आपको ये पता है रिलेशन में, क्योंकि वो मेगा पूछ रहा है और मेगा के लिए मैं यहां पर इंफॉर्मेशन तुम्हें दे चुका हूं कि 1 मेगा मीटर अगर 10^6 मीटर के इक्वल है, तो 2.4 × 10^-3 मीटर कितने मेगा के इक्वल होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10^6x इज इक्वल 2.4 × 10^-3. 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो अब देखो ये 10 इस साइड पे जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यूनिट के शिफ्टिंग में, पावर की शिफ्टिंग में मिस्टेक नहीं करना. ये जब डिनोमिनेटर में गया, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया जाए. मैथ्स में रूल ये है कि 10^a / 10^b. सो बेटा हम कहते हैं 10^a-b. तो इट मींस यू विल राइट 2.4 × 10^-3 और -6. डिनोमिनेटर का 6, न्यूमरेटर में आके नेगेटिव. मैं बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कह भी रहे होंगे कि यार सोच रहे होंगे इतना लंबा कर रहे हैं इसको. ये लंबा इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि स्टार्ट है, तो थोड़ा सा इसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चले. इंडाइसेस याद रखने हैं, 10^a और होल पावर अगर बी किसी सिचुएशन में आ रही है, तो आपको पता है कि 10^a (b) करते हैं. इस क्वेश्चन को समझ लें जो मैंने सॉल्व किया है, कि आपने मिलीमीटर को मेगा में कन्वर्ट करना था, तो तुमने पहले मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और फिर ये जो मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने इसको कन्वर्ट किया. कैलकुलेटर उठाएं और मेरे साथ अब ये सॉल्व करेंगे आप लोग. दिस वन इज क्वेश्चन 1. नाउ वी हैव क्वेश्चन 2. करो सॉल्व जरा. 4.8 × 10^-3. Capital GM is equals to - UM. Karo solve this. I give you 2 minutes. Solve it.
मैसेज में आंसर टाइप कीजिएगा। ₹4,800। अच्छा चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ। देखो 1 गीगामीटर, गीगा का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि 10^9 मीटर, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 1 गीगामीटर 10^9 मीटर के बराबर था, तो बेटा 4.8 इंटू 10^-3 गीगामीटर, तो आप कहेंगे 4.8 इंटू 10^-3 को मल्टीप्लाई कर दें 10^9 से, तो 4.8 इंटू 10^6 हो गया ये मीटर। कोई चीज नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे रोकना वहां पे बेटा, फर्स्ट क्लास से ये मत करना कि आप इसको इग्नोर करते जाएं। दिस इज इक्वल टू दिस मीटर। नाउ यूज रिलेशन के 1 माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर के इक्वल था, तो 4.8 इंटू 10^6 मीटर कितने माइक्रो के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10^-6 एक्स इज इक्वल 4.8 इंटू 10^6। देखो शिफ्टिंग में मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, ये कोई रीजन है ना, मैं क्यों बता रहा हूं कि आप देखें बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता एएस में, ये किसी कैलकुलेशन के बीच में वो लेंथ देगा, वो कहेगा इसको कन्वर्ट करो, वो आपको लेंथ में कन्वर्ट करना होगा, पावर 12 आएगी, वेरी गुड। क्योंकि देखो जब ये एक्स बेटा यहां से शिफ्ट होगा तो ये पूरा एज इट इज डिवाइड होगा ना जाकर, यहां थोड़ी साइन चेंज करोगे, यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन थोड़ी चेंज होता है। हाँ अब इसी जगह पर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ला रहे हो, सेम साइड पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा तो साइन चेंज होगा, किया था मगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, बीच में इक्वल्स टू था, बेसिक मैथ्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू 4.8 इनटू 10^12, ये है तुम्हारे पास माइक्रोमीटर। ये सबसे पहले एएस फिजिक्स बहुत दूर की बात है, मोस्टली 90% प्लेसेस पर तुम्हें टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिजिकल क्वांटिटीज ये होती हैं ये होती हैं, नहीं भाई पहले आप यूनिट्स सॉरी इसको प्रीफिक्सेस को समझें, इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए बेटा तो आगे बात हो पाएगी। ये समझ में आया या नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे रोक देना, तुम नहीं रोक रहे तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ क्लियर है यहां तक बात। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट करके दे रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की बात आ गई, जब भी स्क्वायर या क्यूब की बात हो, वेन एवर देर इज अ स्क्वायर और क्यूब थिंग, तो तुम्हें फॉर्मूलाज ये वाले सॉरी कन्वर्जन्स यही वाली यूज करनी है, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस।
इन्हीं कन्वर्जंस में दोनों साइड पर स्क्वायर करोगे तो वो एरिया बन जाएगा, दोनों साइड पर क्यूब करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब देखो मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ, और इसी तरह से आगे जो मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा करने के लिए तुम उसी तरह से करोगे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्लीज, यहाँ वो कह रहा है 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, मैं कहूंगा 1.2 छोड़ दो, भूल जाओ। रिमेम्बर 1 मिलीमीटर, बेसिक याद करो, 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर होता है। अगर मैं स्क्वायर में जाना चाहता हूं, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दू बेटा, इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो आई कैन राइट 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप कहेंगे 10^-6 मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने अभी पिछले पेज पे तुम्हें कहा था कि 10^a^b का मतलब 10^a×b होता है। ये मत समझना, कोई ये मत करना कि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गलत कर दोगे। If you have double power, then double power multiply it together. Remember, double power multiply it together. अच्छा, इस relation को यहाँ छोड़ दो। अब मैं नया relation देख रहा हूँ कि 1 centimeter 10^-2 meter होता है। तो 1 centimeter square 10^-2 meter का square हो जाएगा। So 1 centimeter square 10^-4 meter square होगा। अब मुझे ये बताओ, इस रिलेशन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि 1 millimeter square 10^-6 meter square के बराबर है, तो इसका मतलब 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर 1.2×10^-6 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी मैंने इस रिलेशन को ही लिखा है, सामने देखो इस रिलेशन को ही लिखा है, वन इसके इक्वल था, तो 1.2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1.2×10^-6 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर 1 centimeter स्क्वायर 10^-4 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो अब फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, रिलेशन अप्लाई कर लो कि तुम कहोगे कि 1 centimeter स्क्वायर अगर 1 centimeter स्क्वायर अगर 10^-4 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो 1.2×10^-6 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आ रहा है, शाबाश, 1.2×10^-2, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1.2×10^-6, और डिनोमिनेटर में अगर तुम लिखोगे तो तुम कहोगे 10^-4, मगर ये -4 ऊपर आएगा तो +4। शाबाश, वेरी गुड, बस समझ गए तुम, सही है ना। इट मींस ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया, दैट फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1.2×10^-2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में तुम लोगों को कुछ को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। अब सुने, फॉर एग्जाम्पल
अब मैं फिर दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, एक देखो, कन्वर्ट 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर क्यूब, चलो मिलीमीटर क्यूब इंटू किलोमीटर क्यूब करते हैं, सही? मिलीमीटर क्यूब है, इसको किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने के लिए खुद से। सॉरी, मिलीमीटर दिया हुआ है, स्टैंड मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर। अब क्यूब पे जाना है तो दोनों साइड पर क्यूब मैंने किया, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल 10^-9 मीटर क्यूब। सबसे पहले तो ये कर लिया, तो फिर 1.4 इंटू 10^3 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10^-3 इंटू 10^-9। तो ये तुम्हारे पास आ गया 1.4 इंटू 10^-12 मीटर क्यूब। पहले तो तुमने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटा। स्टेप वन में तो हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर या मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब आप अगला पॉइंट देखें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^3 मीटर होता है। अगेन क्यूब करो, देन यू कैन राइट 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^9 मीटर क्यूब। अब सिंपली तुम इसको सॉल्व कर लो मिडिल में ला करके। अगर तुम कहोगे भाई 1 किलोमीटर क्यूब अगर 10^9 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1.4 इंटू 10^-12 मीटर क्यूब जो कि खुद इसके इक्वल था, 1.4 इंटू 10^-12 मीटर क्यूब इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10^9x इज इक्वल 1.4 इंटू 10^-12, वेरी गुड, 1.4 इंटू 10^-12 डिवाइडेड बाय 10^9। सो 1.4 इंटू 10^-12 और ये 9 बेटा न्यूमरेटर में जाएगा तो -12 और -9। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है एएस में कि ये काम करवाए बगैर अगर मैं तुम्हें टॉपिक शुरू कर दूं और टॉपिक के बीच में ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा, और फिर जब सॉल्व नहीं होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो मुश्किल लग रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, इसलिए कि आप लोग स्टार्ट में प्रैक्टिस की नहीं है। स्टार्ट में ये चीज समझ लें, -21 में आ रही है बेटा, ये देख लेना, राइट? सो बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन में तुम्हें कुछ करने के लिए दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये करके बताएंगे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, नंबर 1.2 इंटू 10^-3 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू - माइक्रोमीटर स्क्वायर, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब -
हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, मिलीमीटर क्यूब 3 4.8 × 10⁴ किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश माइक्रोमीटर. नंबर 4 1.2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब. (5×10⁸) GM, gigameter, is equal to dash millimeter. Number 6. 2.4×10². Micrometer square is equal to dash centimeter square. Okay, ये questions done करें next class में, next class तक. Now, a screenshot ले ले बेटा. Number 1, number 2, number 3, number 4, five, six. ओके जी, नेक्स्ट क्लास तक ये सिंपल सा है ड्रिल आपकी 15-20 मिनट्स घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर लें. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात होगी. ओके, जो स्टूडेंट नहीं आए हैं अभी तक क्लास में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि ज्वाइन कर लें. नेक्स्ट वीक से मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा अगर स्टार्टिंग की चीज़ें मिस हो गई. थर्सडे और फ्राइडे की क्लास आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम.